हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीता फूड विद फैमिली। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सोफे के कवर को ठीक कैसे करते हैं। अगर आपके पास सोफे है, ये मेरे पास 9 सीटर के सोफे है, तो उसके ऊपर मैंने ये कवर लगवाए हैं। तो जिसके घर में बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो उसके सोफे के कवर ठीक नहीं होते हैं और बच्चे बार बार उसको निकाल देते हैं ऊपर बैठ बैठ के। चलो मैं एक आपको आसान तरीका बताती हूँ सोफ़े के कवर को ठीक कैसे करते हैं। तो एकदम आसान और इजी तरीका है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे सोफ़े के कवर कितने निकल गए हैं। वैसे मेरे घर में बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग बैठते हैं तो ऐसे निकल जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो सोफ़े के कवर ठीक ही नहीं रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी एकदम आसान तरीके से, एकदम इजी टिप्स के साथ अपने सोफे के कवर को कैसे ठीक करते हैं फटाफट, और अपने उंगलियों को बिना तकलीफ दिए एकदम इजी तरीके से उसको ठीक करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में सोफे है तो ये वीडियो ज़रूर देखें और उसको ठीक करते कैसे करते हैं कवर को, आप उसमें मैं बताऊंगी, तो वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सोफ़ा निकल गया है बाहर, कवर सोफे का। इससे जैसे लोग बैठ के जाते हैं तो ऐसे निकल जाता है, तो आप देख सकते हो कितना बिखरा हुआ सोफे का कवर है हमारा। तो मैं आपको ये तावीथा है जिसे हम रोटी को पलटाते हैं, ये तावीथा लेने का है। स्टील का तावीथा होता है तो वो अच्छा रहेगा। अगर आपके पास ऐसा तावीथा है तो इसी से हमें ये सोफे के कवर को ठीक करना है। आप देख सकते हो कितना इजीली हो रहा है। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखना और आप ट्राई ज़रूर करना एक बार। आई होप आपको इसमें से कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिलेगा और आपको इसमें से मेरी ये टिप्स ज़रूर पसंद आएगी। अब देख सकते हो कितने अच्छे से हो रहा है। ये जहाँ तक हमारा हाथ अंदर नहीं जा रहा है फ्रेंड्स, तो हम ये तावीथे के मदद से फटाफट कर सकते हैं। अब देख रहे हो कितना इजीली हो रहा है यहाँ पे। अगर आपके सोफे के कवर ज़्यादा नहीं निकले हुए हैं और थोड़े थोड़े निकल रहे हैं, तो इसकी मदद से आप रेगुलर उसको ठीक कर सकते हो। अगर आपके पास तैयार वाले सोफे के कवर है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी इस तरीके से कर सकते हो। तो आप देख सकते हो अंदर तक हमारा जो तावीथा है वो जाता है और सिर्फ अंदर कवर को ठीक कर देता है अंदर तक। अगर ये भी दोनों सोफों के बीच में कवर हमारा अंदर फंस जाता है, तो हमें इसको हाथों की मदद से पहले निकालेंगे, फिर ये तावीथे की मदद से हम उसको अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हो कितना बिखरा हुआ सोफ़ा है हमारा, तो मैं उसको पहले कवर निकाल दूंगी और इस तरह सेट कर लूंगी पहले, फिर मैं ये तावीथे की मदद से उसको अंदर डाल दूंगी। तो यहाँ पे आप कंघी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कंघी से बेहतर ये तावीथा है, तो इससे ही हम ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे इस वीडियो में कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिल जाएगा, तो आप अपने सोफे के कवर के हिसाब से इसको ठीक कर सकते हो। और अगर आपके पास ऐसे कवर है तैयार, मतलब जो आपने सोफे के मुजब सिलवाया है, तो इसमें भी कर सकते हो इस तरह से। तो ये तावीथा की मदद से हम फटाफट हमारे सोफे के कवर को ठीक कर सकते हैं। ये देख सकते हो कैसा है, सब कवर निकला हुआ है। तो पहले हम उसके कॉर्नर को ठीक करेंगे हाथों की मदद से, एक सही कॉर्नर लाएंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे करके हम उसको धकेलेंगे और सेट करते
फिर बाद में हम इसको सोफे के अंदर डाल देंगे। तो क्या है फ्रेंड्स, छोटी छोटी जगहों पे हमारी उंगली अंदर नहीं जाती है और हमारे जो नाखून है वो दुखने लगते हैं और हमारे उंगलियों के टेरवे एकदम से दुखने लगते हैं और हमें बहुत कंटाला आता है ये सोफे के कवर को ठीक करने का। तो आप ये तावीज़ की मदद से फटाफट से ठीक कर सकते हो एकदम इजीली और बिना जोर लगाए हो जाता है एक हाथ की मदद से। आप देख रहे हो मैं यहाँ पे एक हाथ की मदद से कर रही हूँ सब। ये भी बिखरा हुआ है, देख सकते हो नीचे तक आ गया है, तो इसको भी हम सेम प्रोसेस से ठीक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखते रहिए मेरा वीडियो पूरा एंड तक, तो मैं इसको भी ठीक कर लूँगी। बस हमें यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक तायथे की मदद से ये सब कुछ करना है हमें। ना ही कुछ उसके अंदर बटन डालने हैं, ना ही उसको सिलना है, ना ही कुछ वॉल को डालना है। सिर्फ एक तायथे की मदद से हम अपने सोफे के कवर को ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स एकदम इजीली। Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how is it supposed to feel? I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread, with every word that I've said. की तरफ भी सोफे को ठीक कर सकते हो इस तरह। और मैं यहाँ पीछे का भाग आपको दिखाती हूँ सोफे का, आप देख सकते हो ये मेरे सोफे का कवर है उसके साथ में। तो मैंने ऊपर अलग से ये वाइट कलर का जो कपड़ा है वो लगाया हुआ है और नीचे उसका वॉलकेनो के साथ फिट किया हुआ है ताकि हमारा कवर खींच के ऊपर ना आ जाए, इसलिए हमें ऊपर के सोफे को बिल्कुल ठीक नहीं करना पड़ता है आप देख सकते हो। और हमारा सोफ़ा गंदा भी नहीं होता है। अगर आपको सोफे का नया कवर बनवा रहे हो तो इस तरह उसका कवर बनवाए ऊपर के हमारे कपड़े के साथ, ये अस्तर वाला कपड़ा फिट करके नीचे तक डाल दीजिए तो हमारा सोफे का कवर एकदम नहीं हिलेगा और एकदम मस्त रहेगा और सोफ़ा भी गंदा नहीं होगा।
तो आप देख सकते हो ये कपड़ा अलग से हमने लगवाया हुआ है कवर के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये आइडिया अच्छा लगा तो आप ज़रूर ट्राई करना। आपको मेरे पूरे सोफ़ा दिखाती हूँ, कैसे ठीक किया हुआ, कितना अच्छा लगता है और कैसा लग रहा है। आप देख सकते हो कहीं पर भी तो निकला हुआ नहीं है और एकदम मस्त फिट हो गया है और एकदम अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो हमें ऐसा ही सोफ़ा अच्छा लगता है, एकदम ठीक किया हुआ। नीचे भी आप देख सकते हो एकदम कॉर्नर आया हुआ है और एकदम सही तरीके से हमारा सोफ़ा ठीक किया हुआ है फ्रेंड्स। तो अगर आपको जल्दी जल्दी है तो ऊपर फटाफट आप ताइसा की मदद से इसको ठीक कर सकते हो। कवर निकालने की कोई झंझट नहीं है और कवर को वापस फिट करने के भी झंझट नहीं है और सोफे को निकालने के भी झंझट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। जिसके घर में बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, इसके लिए ये बहुत काम की वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ओवरऑल लुक हमारे सोफे का एकदम ठीक और फटाफट हो जाने वाला। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाना। आप देख सकते हो अगर मैं उसके ऊपर बच्चे को ठीक चलाती हूँ तो भी वो निकलेगा नहीं, एकदम से फिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बाय चांस अगर कुछ निकल गया है तो आप ताइसा की मदद से उसको वापस ठीक कर सकते हो फटाफट से ऐसे। तो फ्रेंड्स, ऐसे मैं आपको दूसरे वीडियो दिखाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, आओ जो।